जी हाँ दोस्तों, T20 मुकाबले से पहले ही कई सारी अपडेट सामने आई है, जहां पर विराट कोहली ने एक तड़कता भड़कता बयान दिया है और उनमें अपनी ओपनिंग पारियों को लेकर खुलासा कर दिया है, जिसमें ओपनिंग करते नजर आएंगे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा और KL राहुल। बता दें दोस्तों, ये एक ऐसे ओपनर साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, जो आने वाले मैचेस अकेले दम पर ही जितवा दे और मिडिल ऑर्डर की जरूरत भी ना पड़े। क्योंकि दोस्तों ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, रोहित शर्मा पिछले साल अपनी चोट की वजह से खेल नहीं पाए, लेकिन अब वापसी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले का इनका स्कोर कार्ड देखा जाए तो काफी दिलचस्प रहा था, जहां पर इन्होंने 2020 में वापस खेलने के बाद T20 इंटरनेशनल मैचेस में 65 और नाबाद 60 रन भी बनाए थे, यानी कि लास्ट जो दो मैचेस थे उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन भाई बात की जाए KL राहुल की, भले ही उनके बल्ले से पिछले 5 T20 मुकाबलों में एक अर्धशतकीय पारी आई हो, लेकिन बाकी अगर रन देखे जाएं तो 39, 45 और 51 और 30 और उसके बाद 0 पे आउट हो गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबले में इनका स्कोर था। देखा जाए तो अगर 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं टीम के लिए बेहतरीन ओपनिंग है, तो विराट कोहली ने साफ कर दिया कि शिखर धवन की अभी टीम में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ रिजर्व ओपनर यानी कि अगर बैकअप ओपनर की जरूरत पड़ती है तो शिखर धवन बल्ला थामे मैदान पर जरूर दिखाई देंगे। लेकिन अगर बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो उन्होंने उसके लेकर क्या कहा है, तो विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि अभी युवा खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा कर रहा है। टेस्ट मुकाबले की बात की जाए, वनडे की या T20 की या किसी भी फॉर्मेट की, उसमें वॉशिंगटन सुंदर की पारियां बेहतरीन देखने को मिल रही है। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली का बयान यही है कि अभी टीम में ऐसे दो खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है जो एक ही काम कर सके, यानी कि रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की दोनों की भूमिकाएं अलग अलग नहीं है, सेम है। देखा जाए तो एक्सपीरियंस ज्यादा रविचंद्रन अश्विन को है, लेकिन पहले उनको मौका मिला तभी तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर भी मौके की तलाश में है और जो मौका उन्हें विराट कोहली जरूर देंगे। IPL में RCB की टीम के साथ ही वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, कोहली उन पर पूरा भरोसा जताते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई हैं, किस प्रकार से प्लेइंग 11 को अगर साइड में रखा जाए तो ओपनिंग और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर साफ है कि टीम में इनकी जगह पक्की है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कोहली कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के पहले T20 मुकाबले में। इसकी अपडेट हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।